घर के इस कोने में भूल से भी न रखिए कोई भी पौधा, नहीं तो गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाएंगे आप। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन चैनल में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, अगर घर के इस कोने में आप कोई भी पौधा रखते हैं तो आप पे बहुत सी आफत आ सकती है, बहुत से बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए भूल से भी इस कोने में कभी भी कोई भी पौधा ना लगाएं। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर का वास्तु ठीक है तो घर का परिवार और परिवार के लोगों पर कोई भी खतरा नहीं मंडराता। जी हाँ, और अगर घर का वास्तु खराब हो जाए तो घर पर एक के बाद एक कई संकट आने लगते हैं। वैसे इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें आप इस चाह में अपने घर के किसी कोने में रख देते हैं कि वो आपके घर की तरक्की और खुशियां लेकर आएगा। आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको शायद ही पता होगा कि आपके घर का एक कोना ऐसा भी होता है जो आपके लिए एक बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। केवल यही नहीं बल्कि आगे चलकर ये आपके परिवार के लिए खतरा बन सकता है। हालांकि अगर आप सही तरीके से अपने घर की दिशा का इस्तेमाल किसी चीज को रखने के लिए करेंगे तो आप और आपके परिवार के लोग कई प्रकार की बीमारियों से बचे रहेंगे। जी दरअसल वास्तु शास्त्र को माने तो दक्षिण पश्चिम दिशा में रखा हुआ कोई भी पौधा आपके लिए एक बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। जी हाँ, और अगर हम वास्तु के अनुसार माने तो ये बड़ी बीमारी डायबिटीज या किसी अन्य घातक बीमारी का कारण बन सकता है। इसी के साथ घर के बीच की जगह सामानों से न भरी हो, इस बात का खास ख्याल रखें। आपका घर लोहे के सामानों से घिरा ना हो। इसके अलावा अपने बेडरूम में बैठकर कभी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार के वास्तु दोष माना जाता है। ध्यान रहे, इन सब के उपचार के लिए किसी भी रविवार के दिन सूर्य को नियमित रूप से जल दें। वही इसके अलावा एक हल्दी की गांठ को पीसकर खाली पेट एक चम्मच पिए। अगर आप ऊपर में किए गए कोई भी दोष करते हैं तो आपका निवारण इन दो कारणों से हो सकता है, तो जरूर अपनाएं। और घर पे अगर रखा हुआ कोई भी सामान इस दिशा में है तो आप तुरंत हटा दें।